अब देखिए मैंने ऑयल लिया है, ज्यादा ही रिफाइंड ऑयल है, आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं, पर ये सारा ऑयल करेले में नहीं लगेगा। अब मैं करेले बनाने जा रही हूँ साथ के साथ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो जाऊंगी, क्योंकि इस साइड तो बन ही रहा है सांभर और मैंने आलू की फिल्म भी बना ली है। तो थोड़ा सा हॉट हो जाए इसलिए हम डालते हैं करेले। ये हैं करेले मेरे, मैंने सारे इस तरह से कट कर लिए हैं और मैंने ओवर नाइट नमक में रखी थी, फिर इनको वॉश कर लिया था। तो हम इसको फ्राई करके बनाएंगे। फ्राई करने से इसका मतलब कड़वापन भी कम हो जाता है ओवर नाइट रखने से भी। और इसमें हम जो अनियंस है ना वो ज्यादा ऐड करेंगे। मैंने 4 to 5 अनियंस ली हैं, मीडियम अनियन है, और अगर आपके पास लार्ज हो तो 4 अनियन यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये फ्राई करने के बाद बहुत कम हो जाएंगे। तब जिन्हें थोड़े थोड़े करके थोड़ा निचोड़ के मैं फ्राई कर लेती हूँ। देखिए हमने कैसे फ्राई कर लिया, मैं सारे करेले से आप फ्राई नहीं करूंगी, आधे आधे करके फ्राई करूंगी। तो ये मेरी खास बात है, कुकिंग करते हुए थकती नहीं बस थक जाती हूँ, लेकिन मतलब फिर भी दिल से करती हूँ। ये हमारे करेले साइड करेले बन जाएंगी, सांभर बन जाएगा और आलू फ्राई हो चुके हैं। फिर मैं रोटी उनके लिए बाद में बना दूंगी, क्योंकि सांभर के साथ साथ हमारे करेले भी बन जाएंगे। चलिए अब देखिए फ्राई होने लग रहे हैं, ये भी गोल्डन, थोड़े से लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। और देखिए मैं साथ के साथ प्याज भी काटती जा रही हूँ, लंबे लंबे मल्टीपल बार एक साथ। मैं 7 बजे लगी थी, ये लगता है 8:30 बज गए हैं। और जो भैया है ना मेरे हस्बैंड के दोस्त, जिन लोगों को मैंने आज इन्वाइट किया है खाने के, सांभर डोसा खाने के लिए, तो वो शायद 9 बजे चले जाएंगे। मुझे अब जल्दी जल्दी काम करना है, बस इसमें विसल हो जाए सांभर में पूरी, 7-8 विसल लगवानी मुझे, फिर उसके बाद इसमें तड़का हो जाएगा। देखिए अब ये फ्राई हो चुके, गोल्डन फ्राई हो चुके, मैं इनको निकाल लेती हूँ। और जो है थोड़े से करेले और हैं जो इसके हाफ थे, वो दोबारा से भी डाल लेंगे। तो मेरे सांभर भी तैयार हो जाएगा और मेरी ये भी। आप देखिए इसमें कितना सारा ऑयल है, मैं करेले बना रही हूँ। और ये इस ऑयल को हम निकाल लेते हैं, इतना ऑयल नहीं चाहिए, एक कटोरी में निकाल रही हूँ। ज्यादा ऑयल नहीं लगाते मैंने, लेकिन फिर भी लग गया है। तो मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अब इसमें हम जल्दी से अनियन डालेंगे। मैंने अनियन को चॉप कर लिया है लंबा लंबा, और बस देखिए ये गरम तेल है और ये इतना सारा मैंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे इसमें जीरा, हम मेरे पास इतना टाइम नहीं है, चला दूंगा दिखा दिखा के मतलब कुछ। और ये इसमें देखिए अनियन ये है, मैंने क्रश कर ली थी गार्लिक, और ये अनियंस है, 4 अनियंस है, ये डाल दूंगी मैं। और इनको थोड़ा छोटे कर लेंगे, थोड़ी जब पिंक हो जाएंगी तो इसमें हम करेले ऐड कर देंगे। और इसमें हम फिर जो मसाले हैं बेसिक इंडियन मसाले, जैसे कि टर्मरिक, और मैंने गरम मसाला बनाया जो घर पे बना रहा था, होममेड गरम मसाला, तो इससे अच्छा टेस्ट होता है काफी। आप देख लीजिए ये है सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिली और गरम मसाला जो मैंने घर पे बनाया था। तो इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। अगर हम किसी भी गरम मसाले में वाटर ऐड के मसालों में वाटर ऐड करते हैं और फिर उसको मैं उंगली से कर लेती हूँ, आप स्पून से भी कर सकते हैं, वैसे मेरे हाथ क्लीन है। तो इसको हम अब जब अनियन हमारी थोड़ी पिंक हो जाएंगी तो डालेंगे। देखिए आप देख सकते हैं हमारे जो अनियन थे पिंक हो चुके हैं, तो मैं इस गरम मसाले को ऐड करूंगी। ये हमारा जो है ज्यादा हम स्पाइसी नहीं खाते हैं, तो मैंने स्पाइसी बनाया ही नहीं है। तो चिली है जो हमारी वो कश्मीरी मिर्च है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो इस तरह से मसाला जलेगा नहीं, और मतलब हमें इसकी धार नहीं पड़ेगी, यानी कि एक स्मेल होता है चढ़ जाती है, जिससे हमें छींक आती है।
इसे थोड़ा सा मतलब ऑयल छोड़ दे, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें, ये जब ही हो जाएगा इसको, ज्यादा नहीं कि हमें ज्यादा इसको पकाना है इस मसाले को, ये जल्दी हो जाता है, मैं बहुत झटपट कुकिंग करती हूँ जल्दी से, क्योंकि अभी बहुत भुनने वाला है, क्योंकि अभी भुनेगा ही, अभी अनियन डाल दिया हमने, मसाला डाल दिया, और ये जो करेले थे मेरे फ्राई थे ये मैं डाल रही हूँ इसमें, अब ये फ्राई ही होंगे, और ये मीडियम फ्लेम पे, मीडियम में और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे पक जाएंगे, और इसके बाद मैं सांभर में तड़का लगाऊंगी। आप देखिए मैंने इसमें मिक्स कर दिया है, अब इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने वाटर ऐड नहीं किया ना थोड़ा सा, तो ये ड्राई हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, और जब वाटर ऐड कर देंगे थोड़ा सा इसमें आधी कटोरी, तो ये सॉफ्ट बनेंगे, ये मीडियम फ्लेम पे, ये स्लो फ्लेम पे पकेंगे, सॉरी ये वाटर है, मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, और इसका मसाला अपना आप ही सारा भुन जाएगा, मैंने जल्दी जल्दी मसाला भुना, लेकिन अपना आप बहुत अच्छा अच्छा कलर आएगा लास्ट में आप देखिएगा। अभी मैं इसको 15 से 20 मिनट इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल ढक करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। देखिए मैंने इसको ढक दिया है, जो इसका जो नॉनस्टिक ये मेरा सॉस पैन है, इसका जो लिड है वो कांच का है, तो उसमें फ्लेम मतलब उसमें दबाव नहीं बन पाएगा, प्रेशर नहीं बनेगा अगर हम, इसलिए मैंने ये थाली यूज करी है, प्लेट स्टील की प्लेट, उसके ऊपर मैंने एक सिलबट्टा रख दिया है, तो धीरे धीरे मतलब ज्यादा प्रेशर बनेगा अंदर, ज्यादा मतलब तापमान बनेगा, तो धीरे धीरे अच्छी पक जाएगी। अगर मैं उसको इस पे वो लिड लगाती कांच की, तो लिड लगाने से मतलब वो ड्राई ड्राई ही रहती, सॉफ्ट ना हो पाएगी जल्दी, तो इस तरह से जल्दी बन जाएगी हमारी, ये भी एक ट्रिक है। देखिए 5-7 मिनट बाद मैंने कुछ चेक किया, तो ये ऐसा हो गया, हमें 5-7 मिनट बाद बार बार चेक करना होता है, क्योंकि नहीं तो नीचे लग जाएगा और वो जल जाएगा, इसी साइड से पकेगा, तो हमें सारा अच्छे से पकाना है। अब मैं स्टील की प्लेट से इसको ढक देती हूँ। देखिए हमारे करेला तैयार हो गए हैं, और आपको मैं बताना चाहूंगी इसमें मैंने टमाटो प्यूरी भी ऐड करी है, मतलब 2 टमाटो लाल टमाटो का मैंने पेस्ट बना के इसमें ऐड किया, जो मैंने आपको दिखाया ना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, और आपको कहना चाहूंगी थोड़ा कम नमक डालेगा, क्योंकि पहले इसमें मतलब जब मैंने रात भर इसमें नमक लगा के रखा था, इसमें नमक सोख हो गया, ये नमक सोख लेते हैं करेले अपने अंदर ही, तो मैंने जितना नमक डाला था उससे थोड़ा ही नमक डालेगा, ये गलती मुझसे हो गई, क्योंकि मैं एक तो सांभर भी बना रही थी, और ऊपर से मैं आपको बताना चाहूंगी ये बन चुके हैं, बस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल अच्छे बन चुके हैं, इसमें सब आपने देखा होगा, तो ये सांभर की वजह से एक मैं भूल गई, और इस इन करेलों को मैं नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ, मैं लगता है साल भर के बाद बनाए होंगे, क्योंकि इनमें ऑयल ज़्यादा लगता है, इनको फ्राई करना होता है ये वो, तो इसलिए मैं करेलों को नहीं बनाती, हम लोग करेले ज़्यादा खाते नहीं हैं, और इस तरह से जब करेले बनाते हैं तो उनमें ऑयल ज़्यादा लगता है, तो इसलिए नहीं बनाती, अगर हम सिंपल बनाएंगे तो उनमें बिटर टेस्ट आता है हमेशा, कड़वापन आता है, जो कि हम लोग कड़वापन ज़्यादा पसंद नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी सारी रेसिपीज पसंद आई होंगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।